बनाते हुए आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख लोगे हालत ख़राब हो गई चलते चलते, लेकिन सब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत सुकून फील करेगा। इतने इतना ट्रैवल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे आके। नेचुरल बर्ड्स की आवाज़, प्लांट्स, और आपको बैकग्राउंड में और भी सारी म्यूजिक्स आ रही होंगी जो कि बिल्कुल नेचुरल है, तो इसको एंजॉय करिए। हम लोग चलते हैं और घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप जैसे ऊपर देख सकते हैं, ये है कॉमन पेड़ जिसको आप लोग बेल के नाम से जानते हैं। ये बेल का पेड़ है, लेकिन आपको कभी पता था कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? आप देख सकते हो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है एल्गी मार्मेलस। तो बेल के पेड़ को एल्गी मार्मेलस के नाम से जानते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी पार्क में आते हैं तो आपको यही सारी यूनिक चीज़ें पता चलती हैं जो कि आप कॉमनली देखते तो हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सारी लोकेशन में एक बहुत मस्त लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना था। आप सामने देख सकते हो ये छोटा सा ब्रिज बना है, वुडन ब्रिज, जैसे कि मूवीज़ की शूटिंग में यूज़ होता है वैसा ही है। तो देखने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा। बैकग्राउंड में कितनी मस्त आवाज़ आ रही है ना, कौन सी बर्ड है पता नहीं। तो मतलब मैं तो सोच रहा था बायोडाइवर्सिटी पार्क है तो सिर्फ प्लांट के लिए आला, लेकिन यहाँ पे देख तो नहीं रहे लेकिन बर्ड्स की आवाज़ बहुत ही यूनिक बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है इस पार्क का मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है। आप जैसे देख सकते हो कि ये पहली बात तो ये ब्रिज, थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि ये ब्रिज पुराना है और मुझको नहीं लगता नीचे से कोई स्ट्रक्चर मजबूत है, पूरा लकड़ी पे, तो इस पर आप बहुत संभल के जाएँ। और आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, पहाड़ों से होते हुए पानी आता है, लेकिन बेसिकली मज़ा तब आता है जब आप बारिश के मौसम में आएँ। तो अगर मैं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आ जाता है जब मानसून स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से व्यू आपको ज़बरदस्त दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, पानी वहाँ से बहते हुए आता है, इन पहाड़ों से होते हुए इधर नीचे से गुजरता है, आप ब्रिज के नीचे से ऐसे गुजरते हुए उस साइड तक जाता है। तो उस वक्त फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और एकदम वाटरफॉल का फील देता है। बहुत ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल का फील तो नहीं देता है, लेकिन आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि एक ही जगह आने पे आपको हर चीज़ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं उस पार्क के अंदर। तो दिख तो नहीं रहा है कि उस साइड कुछ है, लेकिन इस साइड तो कुछ नहीं दिख रहा है, इस साइड तो पूरा जंगल दिख रहा है, लेकिन इस साइड कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे आपको देख सकता है वो हट का शेप बना है। तो उधर चलते हैं क्योंकि इधर तो कुछ हमको नहीं लगता कि कुछ है। तो फ्रेंड्स इस वाले पार्क में मुझे एक और मस्त चीज़ लगी। आप नेचुरल जगह आए हो तो आपको नेचुरल चीज़ें ही मिले तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कि आप ये बेंचेस देख सकते हो कि ये पूरे वुडन की बनी हुई है, तो अगर आप आओ और सीमेंटेड आपको कुछ मिले तो कितना बेकार लगेगा, लेकिन ये पूरा वुड का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मस्त लगता है देखने में, पूरा नेचुरल फील देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको बता रहा था कि पानी का जो फ्लो होता है वहाँ से होता है, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत झरने जैसा छोटा मोटा बह भी रहा है। हम लोग चलते हैं उस साइड, वहाँ पर भी एक हट है, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। फ्रेंड्स ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये फेमस है यहाँ की बर्ड्स के लिए भी, आप देख सकते हो सारे लिस्ट मेंशन है। और ये जो है वो रेणुकूट डिवीज़न में आता है और इसको हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहते हैं। तो इसमें इतनी सारी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, तो ये पार्क बर्ड्स के लिए भी फेमस है। और आगे चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का ज़बरदस्त पार्क व्यू कैसा है देखने में। तो अगर आप सोनभद्र में रहते हैं या सोनभद्र के आसपास रहते हैं या कभी सोनभद्र आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा, एकदम नेचुरल फील होगा। अगर आप शहरी जीवन से परेशान हो चुके हैं और आपको चाहिए कि हम कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे आपको चिल वाइब्स मिले और एकदम जो जगह वो शहरी जगह से एकदम अलग जगह हो, तो आप नेचुरल प्लेस के लिए यहाँ आ सकते हैं। फ्रेंड्स जब तक करता हूँ मैं इस जगह को पूरा एक्सप्लोर, तब तक आप एंजॉय करिए यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स को। तो दोस्तों अगर इतना दूर ट्रैवल करने के बाद, इतनी गर्मी सहने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद अगर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएं
जो कि पूरा लश ग्रीन एरिया से कवर्ड है, तो आपका दिल एकदम खुश हो जाता है। आप एक बार चारों तरफ नजर डाल के देखिए कैसा है भाई, अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। मतलब इतना ज्यादा ग्रीनरी, इतनी ज्यादा ग्रीनरी, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे आके कि क्या बताऊं। तो किसको भी नहीं मजा आएगा। तो दोस्तों, इस पार्क में अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी, जैसे ये सिटिंग एरिया, यहाँ से खूबसूरत नजारे। और अभी इस वक्त तो आपको फूडिंग वूडिंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अपना सामान साथ में लेके आएँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आसपास कुछ नहीं मिल रहा है। या इससे पहले एक तिराहा पड़ता है, हाथीनाल तिराहा, आप वहाँ से सामान को खरीद सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी जिसका आनंद लेना है आपको। यहाँ के बच्चों के खेलने के लिए छोटे मोटे झूले लगे हुए हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बोर्ड दिखेंगे जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सांपों के काटने के लक्षण लिखे हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सांप भी मिल सकते हैं आपको। अगर आपको काट लेता है और इनमें से कोई भी लक्षण मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से वैरायटी के सांप ने काटा है, या तो फिर आप बच के रहिए कि सांप से आपकी मुलाकात ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे थे, तभी हम लोग को एक और बात पता चली इस पार्क के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये जगह हम लोग के लिए भी अननोन है। तो हम लोग को भी पता करके आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके यूट्यूब के थ्रू। तो इस पार्क की एक और खास बात है, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो फेमस है बटरफ्लाई के लिए, इसीलिए इस पार्क को बटरफ्लाई पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो कुछ खास बटरफ्लाई तो दिख नहीं रही हैं, एक ही दो दिखी हैं मुझे, लेकिन पर्टिकुलर मौसम में बटरफ्लाइज दिखती हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो बटरफ्लाई की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप कहीं पे दिखती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने शॉर्ट्स में। तो स्टे ट्यून्ड और बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देखते जा रहे हो आगे कैसा रास्ता होता जा रहा है, मतलब ये बहुत ही भीषण जंगल की तरह लग रहा है। टाइम भी थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग देखते चल रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, आपको दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इतनी देर से यहाँ तितलियाँ खोज रहे हैं कि एक भी बटरफ्लाई दिख जाए, एक भी बटरफ्लाई दिख जाए। अब मुश्किल से एक दिखी, तो वो भी कब, जब हम इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। तो अगर आपको बटरफ्लाई देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी। तो हमको लगता है कि बटरफ्लाई खोजने के लिए हमको और भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए खोजते हैं, कहाँ है बटरफ्लाई। डस्टबिन में भी खोज डाला, वहाँ भी नहीं मिली। नहीं मिली भाई, इतनी आसान। बहुत ही हॉट वेदर है तो बटरफ्लाईज के चांसेस कम है। वैसे तो मिल नहीं रही, अभी और आगे चलते हैं, इधर देखते हैं कुछ मिल जाए शायद, नहीं तो फिर चलेंगे क्योंकि लेट हो रहा है, शाम भी हो चुकी है। और दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मेरे साथ इस पार्क को एक्सप्लोर करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा। और इस इस वाले ब्लॉग को एंड करने के लिए इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं होगी। आप पीछे का व्यू देखिए एक बार, यहाँ का नजारा। Can anybody out there hear me? Hear me?